सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज आर्यनगर गोरखपुर के गृह विज्ञान विभाग छात्राओं द्वारा शनिवार को हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, विभिन्न प्रकार के पर्दे, कुशन कवर, बांधनी के आर्टिकल, डोरमैट, विभिन्न तरह के फर्नीचर शामिल रहे, जिसका अवलोकन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय गृह विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह के द्वारा किया गया और छात्राओं का हौसला अफजाई भी किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रदेशों की महिलाओं की वेशभूषा में छात्राओं ने स्टेज शो किया। इसके अलावा प्रिंटिंग जैसे ब्लॉक, स्क्रीन, स्टेंसिल को सीखने के लिए वर्कशॉप भी लगाई गई। कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह ने बताया कि उद्यमिता विकास तभी संभव है जब व्यक्ति में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता की भावना हो, इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर के कौशल को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीना त्रिपाठी, डॉक्टर कनक मिश्रा, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, सांभवी राय, डॉक्टर पूनम सिंह सहित अन्य शिक्षिकाएं व छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर कनक मिश्रा और प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह ने कहा। रेड कलर का है ये सब, तो ये है ना कलर और भी है, ब्लू कलर या कुछ और बताइए, ब्लू या रेड। रेड मार्किंग मार्किंग करो। नहीं वो वाला मिट्टी माओ। सुषमा मैम ठीक है जी मैम, खुद ही डिपार्टमेंट में बाटिक पेंटिंग करवा रही हूँ, स्क्रीन कर रही हूँ। डिवाइड द होल थिंग इनटू स्क्वायर, इक्वल स्क्वायर, मतलब चौकोर में पूरे इस एरिया को आप डिवाइड कर दीजिए और तब आप प्लेसमेंट कर दीजिए। सबसे अच्छी डिजाइनिंग आती है आप जैसे बेडशीट्स पे देखते हैं, बेडशीट्स में कैसे होता है आप देखिए, ऐसे डायगनल भी बनती है, सीधी भी बनती है, तो क्या होती हैं वो स्क्वायर्स होती हैं। वो करके बताते हैं, मान ली अंदाजे में करते हैं। बच्चे बोल रहे ये वाला नहीं रहता इसके साथ, कलर का बहुत अच्छा है। हां 10 एक ही कलर 10 सेकंड में मैम, 10 चलो स्टार्ट करो मैम। तो सेकंड एक बार में एक देखो सेकंड में कैसे होगा भाई, तभी तो ये तो चीते ही है इसका, ये चीते भी सही है नहीं है आप तो 10 मिनट नहीं मिला दो एक ही भी 10 रुपए का है, कितने रुपए और है मेरे प्रदेश से करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश से काजल साहनी स्टेज पर आइए। वाइस प्रिंसिपल मैम ये अच्छा बना, ये कह रहे थे पाँच पाँच का सेट बनवा लेंगे।
ये प्रदर्शनी लगाई गई है कई सारे कला का प्रदर्शन करने के लिए। बाटिक प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग वर्कशॉप लगाई गई है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है और ब्लॉक प्रिंटिंग इसके लिए वर्कशॉप है, और बाकी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस के बोर्ड्स और बहुत सारे आर्टिकल, ड्रेस मटेरियल, ये सब कुछ लगाए। कुछ बच्चे पुरस्कृत भी हैं? हाँ, डिपार्टमेंट में पोस्टर प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें बच्चे पुरस्कृत किए गए हैं। आज गृह विज्ञान विभाग ने सरस्वती वृंदावन मंदिर पे बहुत सारी उत्कृष्ट अपनी जो कला है, कौशल है, उसका प्रदर्शन किया है। एक एग्जीबिशन के माध्यम से जो प्रदर्शनी लगाई है इन्होंने, वो अत्यंत ही सराहनीय है, क्योंकि इन्होंने जो कौशल के माध्यम से टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंट और स्टेंसिल प्रिंट, जो तमाम तरह के आप देख सकते हैं, पर्दों से लेकर के कुशन कवर से लेकर के बेडशीट्स तक हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी विधा को बहुत अच्छे से उभारा है। और मैं ये प्रयास इनका बहुत वर्षों से जारी है, और आज जो इन्होंने एक वर्कशॉप रखी है कि आप सीख भी सकते हैं, साथ में जो इन्होंने बनाया है उसको ये सिखा के भी दिखा रहे हैं, तो आप खुद स्वयं सीख करके उस विधा को अपने घर भी ले जा सकते हैं। और ये एक बच्ची नहीं, एक बच्ची अगर आज 10 को भी ट्रेन करती है तो वो 10 बच्चियां उसे लाभान्वित होंगी। तो ये कौशल का एक कड़ी बना रही हैं ये, जो कौशल जो है प्रचारित प्रसारित होगा समाज में, और बच्चे स्वावलंबन के लिए प्रेरित होंगे, तो आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। बिल्कुल, स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता इनके अंदर कौशल के माध्यम से ही आएगी। और चूँकि आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, वो कोविड में जो उन्होंने 12 मई 2020 को जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो एक स्लोगन दिया है, वो इसी माध्यम से हम इसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी, आपके लिए बहुत छोटी है, पर उसी टी शर्ट को जब ये मार्केट में बेचती हैं या बाज़ार में जाकर के वो हाथ से बनाई हुई, तो उसकी एक अलग उपयोगिता होती है, उसकी एक वैल्यू हो जाती है, और सब लोग उस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो आज मैंने भी कुछ एक प्रशिक्षण प्राप्त करने की कोशिश की है, और इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया, और उसकी जानकारी मुझे इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को ये जान रही हैं। तो मैं पूरे गृह विज्ञान विभाग को और इस पूरे महाविद्यालय परिवार को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना उत्कृष्ट प्रोग्राम अपने आयोजित किया।